हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए होगी, यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी पार्टनर आपके लिए कैसा फील करेंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, ये क्विक एनर्जी चेक होगा। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि जनरल रीडिंग है और ये बहुत शॉर्ट रीडिंग होती है। ओके गाइस, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। बस बताएँ, मेरे जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, द मून नेक्स्ट 48 आवर्स। वेट अ मिनट गाइस, बहुत सारे कार्ड पलट चुके हैं बट हम नहीं ले सकते हैं। चलिए वेट अ मिनट गाइस, और करते हैं थोड़ा सा। गाइस क्या हो रहा है आज, आई डोंट नो। चलिए देखते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स, द सन। वाओ गाइस, जहां सन आ जाता है वहां खुशियां आ जाती है। ओके ओके, हमारे पास फोर कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, हमें फोर कार्ड्स ही चाहिए थे। और बॉटम में देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, वी हैव द डेविल। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, द डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली कोई पाइसिस है और लियो कोई हो सकता है, कैप्रिकॉन कोई हो सकता है, सेजिटेरियस कोई हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है तो सारे साइंस होंगे, जो मोस्टली मुझे दिख रहे थे वो मैंने बता दिए। गाइज, आपकी रीडिंग में फोर मेजर आर्कनाज है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि कोई कार्मिक कनेक्शन से कोई पर्सन बाहर आ रहे हैं। देखिए, हमारे पास थर्ड पार्टी का सिचुएशन वाली रीडिंग है और मोस्टली कि यही होगा, यानी कि 100% से 70% का कार्मिक कनेक्शन या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। ठीक है, और 30% का हो सकता है अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, उसके साथ है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कोई अपने कार्मिक पार्टनर से बाहर आने वाला है, कोई मदद ले रहा है किसी की, कार्मिक पार्टनर को छोड़ना चाहता है, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है। ये देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी आई है गाइज। यहाँ पे देखिए कुछ डर है, कुछ इल्यूजन बनाए हुए हैं किसी के मन में। कोई बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके पार्टनर में, बहुत ज़्यादा अंदरूनी जो बातें चल रही है वो बहुत बहुत कुछ उनमें ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहे हैं, ऐसे बदलाव जो कि आना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मून की एनर्जी यहाँ पे कहती है कि बहुत कुछ सीक्रेटिवली प्लान कर रहे हैं आपके जो भी पार्टनर है, वो कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी से सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के बारे में किसी से सलाह ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको कोई डिसीजन लेना है अपनी खुशियों के बारे में। डेफिनेटली ये डिसीजन अभी तक उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अपनी खुशियों को पाने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपके जो भी पार्टनर हैं उनका जो भी साइन है, लेकिन वो अपनी खुशियों के बारे में, अपनी खुद की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डिसीजन उनको लेना है। उनके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी और आप। ठीक है, वो डिसीजन आपको अपनी दुनिया मानते हैं और डेफिनेटली आपसे उनको बहुत बहुत लॉन्ग टर्म तक का ऐसा फीलिंग आती है कि आपसे उनकी बहुत, पूरी दुनिया आपसे है। ठीक है, और यहाँ खुशियाँ मुझे आपके साथ लग रही है। एक क्लियरिटी लाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में और किसी को छोड़ना भी चाहते हैं, जिससे आपके प्रति उनको बिल्कुल क्लियरिटी मालूम चले। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने मन ही मन तो डिसाइड किया है लेकिन अभी आपको कह नहीं रहे कुछ। ठीक है, बहुत कुछ उनमें मन में सीक्रेटिवली प्लान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी से मदद ले रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में बता रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है उससे सलाह ले जा रहे हैं आपके बारे में। ओके, और उनको ये डिसीजन लेना है और बहुत जल्द लेना है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अपनी खुशियों के बारे में डिसीजन है जिसके अंदर आप भी हैं। और मुझे यहाँ पे लगता है, देखिए सन कार्ड जिस रीडिंग में आता है तो बिल्कुल पॉजिटिव होती है वो रीडिंग, और यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में होने वाला है। इसके अलावा अगर देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आपके पास क्लियरिटी आने वाली। मैं ये नहीं कहती कि दो दिन में आपको कोई डिसीजन सुनाने वाले हैं, ऐसा नहीं है गाइज, लेकिन आप उनके एक्शन से पता चलेगा कि कुछ ना कुछ आपके लिए सीक्रेटिवली प्लान कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनके कार्ड्स में जो बदलाव आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है अगेन, ये कार्मिक कनेक्शन है, किसी बंधन में बंधे हुए हैं जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और वो ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन है जिससे ये बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं इनको ये एक
एक टॉक्सिक कनेक्शन बहुत ज्यादा ऐसा कनेक्शन होता है जिससे छूट पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आदमी परेशान होकर उसे त्याग देना बहुत बढ़िया समझता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो और गाइज, अगर ये दूसरे सिनेरियो भी मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन को ये छोड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली कोई कार्मिक पार्टनर है जिससे इनकी बेड़ियां बंधी हुई है। देखिए गाइज, यहाँ पे डेविल का कार्ड बताता ही है कि कुछ ऐसे ऐसे परेशानियां इनकी पर्सनल लाइफ में है जो कि इनको छोड़ना छोड़ना ही पड़ेगी, ठीक है। वो अपनी इनकी खुशियों में बाधा डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत बहुत बुरी तरह इफेक्टेड है इस कार्मिक कनेक्शन से, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेथ का कार्ड इनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये भी कहता है कि कोई नई शुरुआत इनके जीवन में होनी है, और डेफिनेटली ये चाहे इसको रेजिस्ट करें, अगर ये बदलाव अगर नहीं होने देंगे तो भी गलत है। ये आप चाहें ना चाहें, ये डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर जो भी हैं उनमें ये बदलाव आके ही रहेंगे, ये डिवाइन की तरफ से है। ये डेथ कार्ड जब भी आता है, जब किसी में कोई बदलाव आ रहा हो उसको रेजिस्ट करना बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पे जो बदलाव आ रहे हैं वो आपके पार्टनर में होने ही है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे ना चाहे ये बदलाव उनकी जिंदगी में होने ही है। और एक किसी को पीछे छोड़ के नया नया कनेक्शन या फिर नई जिंदगी या नई शुरुआत उनकी जिंदगी में होनी है, और ये पक्का है, क्योंकि डेथ का कार्ड ऐसा कहता है कि जो जो कुछ बीत गया उसको छोड़ के आगे बढ़े, ऐसा यह कहता है। और नई शुरुआत बिल्कुल ये बिल्कुल स्किलफुली काम करके होगी, ठीक है। नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली उनको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो भी डिसीजन हो उसमें बहुत ज़्यादा इनको काम करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में काम करना पड़ेगा, बल्कि स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। हार्डवर्क बहुत है, इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड होता है एट ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आपके रिलेशनशिप में अब ये एफर्ट्स लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। जो बदलाव आ रहे हैं आप ही को लेके आ रहे हैं। माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज, ये कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि इनके बनाए हुए इलिजन है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जो बहुत कम टाइम की, 1 और 2 डेज की होती है। अगर ये आता है मेजर अरकाना के साथ है, तो इसके मतलब ये है कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपकी खुशियों के बीच में टू ऑफ सॉर्ड्स कुछ भी नहीं कर सकता, जहां सन कार्ड है वहां उसके नीचे होना इसका कोई मतलब मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि जो भी कन्फ्यूजन है वो बहुत 1 या 2 दिन उनके माइंड में रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताती हूँ कि आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं। ये देखिए आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, ये बताता है गाइज। ओ गॉड, गाइज देखिए आप इनके साथ देखिए, आप दोनों का कपल आया है, इनको लगता है कि आप ही वो परफेक्ट पार्टनर जिससे ये अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ ये अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप ही वो पार्टनर है जो इनके परफेक्ट पार्टनर। तो गाइज ये थी शॉर्ट और वेरी रीडिंग। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में यही होने वाला है कि आपके पास क्लियरिटी आएगी, आपके पार्टनर किसी को छोड़ने की सोच रहे हैं, इनमें ये बदलाव आ रहे हैं सिर्फ आप ही के कारण आ रहे हैं, और ये आपके एक डिसीजन इनको लेना है जिसपे ये वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके लिए, आपको अपनी जिंदगी में रखने के लिए। तो ये बातें 2 दिन इनके दिमाग में चलती रहेगी, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए किसी से राय लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको प्यार सिर्फ आपसे है, आप इनकी क्वीन है और आपके साथ ये चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके बहुत बहुत हैप्पीनेस में जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से आपको लव फील हो सकता है, और क्या हो सकता है गाइज, और ये हो सकता है कि आपके पास क्लियरिटी आने वाली है, और जो कुछ इनमें बदलाव चेंजेस आ रहे हैं वो आपको देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिटी का कार्ड है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको जो बदलाव इनमें आ रहे हैं वो आपको फील होंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं 48 आवर्स में देख पा रही हूँ। तो ये आपकी शॉर्ट रीडिंग, आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना चाहते हैं किसी तो बिल्कुल कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय गाइज, गुड नाइट।